शाबाश जवान, शाबाश मकामी अफराद, वेल डन पाकिस्तान, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बटाग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को जिंदगी मिल गई। 13 घंटे तक 600 फीट की बुलंदी पर मौलिक तमाम अफराद को बचा लिया गया। फौज, इमदादी टीमें और मकामी अफराद की मुश्तरका काविशों से इंतहाई पेचीदा और रिस्की ऑपरेशन कामयाब। इलाके में जज्बाती मनाजिर, इलाका अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। प्यारों को जिंदा सलामत देखकर हर आंख अश्कबार। चेयरलिफ्ट में 7 तालिब इल्म और 1 उस्ताद सवार थे। ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद को कौम का सलाम। मंगल के सुबह 7:30 बजे खुली केबल कार 6 फुट की बुलंदी पर खाई में आधे रास्ते में फंस गई। 10 बजे फौज से मदद मांगी। पायलट्स और एसएसजीज ने एक बच्चे को रेस्क्यू किया। मौसम खराब होने से फजाई ऑपरेशन मनसूख करना पड़ा, जिसके बाद आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने खुसूसी जिप लाइनर्स टीम को हादसे के मकाम पर पहुंचाया। 13 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद तमाम फंसे अफराद को बचा लिया गया। कामयाब ऑपरेशन पर ISPR का बयान जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मकामी अफराद हीरो बन गए। साहिब खान और उनका साथी सूरज ढलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए और एक के बाद एक 7 अफराद की जान बचाई। मकामी फर्द हबीबुर रहमान का कहना है कि फौजी जवानों ने चेयरलिफ्ट में रस्सियां फेंकी। एक शख्स रस्सियां बांधकर हेलीकॉप्टर की मदद से निकला। 7 अफराद को बचाने के लिए हमारी कोशिशें रंग लाईं। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। सदर अलवी ने कहा कि लोगों की हिफाजत के लिए तमाम मकामी चेयरलिफ्टों का जामे सर्वे करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे भर की चेयरलिफ्ट के मुआयने की हिदायत। चेयरलिफ्ट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची और ताजिर बरादरी मुल्क की शान है। ताजिर बरादरी को नज़रअंदाज करेंगे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। निगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक का कराची में ताजिर बरादरी से खिताब। कहा, पुरम इंतकाल इक्तदार अव्वलीन तरजीह है। आलमी मुहाहिदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क छोड़कर क्या भारत से लोग नहीं गए? हम हर चीज़ को मनफी क्यों लेते हैं? आइंदा इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। PP और MQM समेत तमाम बड़ी जमातों से मुलाकातों का आगाज होगा। हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों पर भी मुशावरत होगी।